नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। आपको बता दें, शहर के बस स्टैंड स्थित सूरज होटल में ले जाकर अलग अलग तारीखों में चार बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सिटी थाना पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी युवक सहित उसके माता पिता और एक अन्य के खिलाफ दुष्कर्म और षड्यंत्र सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी युवक की पीड़ित युवती से सोशल मीडिया पर और पहचान हुई थी। इस मामले में सूरज होटल संचालक के खिलाफ भी जांच उपरांत कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधिकारी सिटी थाना क्षेत्र का ही मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर से अभिषेक राणा की रिपोर्ट। ये है डबरा क्षेत्र के गांव की रहने वाली। उसको किसी लड़के ने शादी का झांसा देकर एक साल तक दोस्ती करी। उसको यहाँ के स्थानीय सूरज होटल लगातार चार पाँच बार जाकर उसके शारीरिक संबंध बनाए बिना उसकी मर्जी के। जब उसकी लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप से इस संबंध में शिकायत करी कि शादी कराने का बोला, तो उन्होंने उसके साथ धमकी दी। तो महिला बच्ची की रिपोर्ट पर प्रशांत, तो उसके माता पिता एवं मामा के विरुद्ध बलात्कार एवं जान से मारने की धमकी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सूरज होटल वाले के खिलाफ भी FIR में लेख किया गया है। इसकी भूमिका की जाँच में उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सूरज होटल का पहले भी कई बार नाम आ चुका है, इस समय उसको नोटिस जारी किया गया था, परंतु बिना सक्षम ID लिए संदिग्ध लोगों को लगातार रखवा रहा है, लगातार किया जाएगा। पिछले प्रकरण हुआ था, उसमें भी एक होटल का नाम आया था, उसको मुलजिम बनाया गया था। अब देखेंगे मालिक है, मैनेजर है, कौन है जिसने किया। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।